छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विनर रूबीना दिलैक के चर्चे आज चारों तरफ हैं। उनके फैंस तो पहले भी थे, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद रूबीना की फैन फॉलोइंग और भी तगड़ी हो गई है। रूबीना टीवी के बड़े सेलिब्रिटीज में गिनी जाती हैं। उन्होंने कई हिट शोज भी किए हैं। ऐसे में आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक वक्त पर रूबीना बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। वो इसके कारण कर्ज में डूब गई थी। इस दौरान एक्ट्रेस को एक टीवी शो के मेकर से अपनी सैलरी देने की गुजारिश भी करनी पड़ी थी ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। रूबीना दिलैक ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में आए टीवी शो छोटी बहू से की थी। वहीं पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो इसी दौरान उन्हें निजी जिंदगी में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्हें शो के मेकर से अपील करनी पड़ी थी कि वो उनकी सैलरी रिलीज कर दे ताकि वो अपने कर्जे चुका सकें। बताया गया है कि शो के लिए किए गए एग्रीमेंट में एक क्लॉज था जिसके कारण रूबीना को मुसीबत झेलनी पड़ी। एक रिपोर्ट की माने तो इस क्लॉज के मुताबिक एक्ट्रेस को 90 दिन काम करने के बाद ही फीस दी जानी थी। इसी के कारण रूबीना मुश्किल में पड़ गई। बाद में ये शो 2010 में ऑफ एयर भी हो गया। इस शो में रूबीना ने राधिका शास्त्री का रोल निभाया था। उनके साथ अभिनेता अविनाश सचदेव भी नजर आए थे। हालांकि छोटी बहू के दूसरे सीजन को जबरदस्त टीआरपी मिली। ये सीजन 2011-12 में आया था। इस बार रूबीना ने अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस को इस कदर इम्प्रेस किया कि वो शो हिट हो गया। रूबीना ने इसके अलावा शक्ति, सास बिना ससुराल, पुनर्विवाह, जैनी और जूजू जैसे शोज भी किए हैं। उन्होंने हाल ही में सलमान खान द्वारा होस्ट की जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 14 भी जीती हैं। इसके लिए उन्हें 36 लाख रुपए की प्राइस मनी भी मिली है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।